तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरे जो चैनल का लोगो है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। तो मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला हुआ हूँ, उस पर जाके 2 दिन तक रहेगा ये पोस्ट। तो 2 दिन के बाद जो भी वोट किएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जल्दी से जाओ वहाँ पर, लोग 3 लोगो दिया हुआ है, वो लोगों पर जाके वोट करो और मैं वही लोगो लगाऊंगा जिस पर ज़्यादा वोट आएगा। तो जल्दी से जाओ। और एक अनाउंसमेंट है कि मेरा जो ये द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम का एपिसोड चल रहा है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो मैं एक और वोटिंग जो है पोस्ट डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके वोट कर देना कि किस टाइप का आपको एनिमे चाहिए। तो मैं उसी टाइप का एनिमे लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 29 पे हम जो देखते हैं, लू जो है वो कीट से बोल रहे होते हैं कि इस अंगूठी से जो मैं बहुत ज़्यादा बुरी शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे शीशी निकल के आती है और वो बोलती है कि हाँ मास्टर लू सही कह रहे हैं, इसके अंदर जो है बहुत ही खतरनाक से डार्क एनर्जी को इंचेंटेड किया गया है एक हाई लेवल सकीबस की द्वारा, और ये जो है वही लोग पहन सकते हैं जिस जो व्यक्ति जो है डार्क पावर के वश में होता है। तभी वहाँ पे कीर उफी का संदेह करते हुए बोलते हैं हाँ एक हाई लेवल सकीबस। तभी वहाँ पे शीशी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन है, पर इसको जो पावर मिला है इतना पावर जो है इस रिंग के वजह से मिला है, पर ये जो रिंग है इसको कहाँ से मिला? तभी लू अपने हाथों में पानी की शक्ति इकट्ठा करते हुए बोलते हैं कि ये तो पूरा का पूरा आसान काम है, क्यों ना उसी से ही पूछ लेते हैं हम। और उफैन जो है अपना हाथों वाला पानी जो है उफी के ऊपर फेंक देता है। तभी उफी घबराते हुए चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और जमीन पर, वो सामने की तरफ देखते हैं कि लू और कीर जो है वो उसी को ही घूर रहे हुए बहुत गुस्से में। तभी उफी जो है जल्दी से जाके लू की पैर पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, यह सब मेरी ही गलती है। तब लूफैन उसे कंधे से पकड़ते हुए बहुत गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें सारे के सारे सच बताना पड़ेगा इस रिंग के बारे में, और नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगा क्योंकि तुमने मेरे जो है छोटे बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तभी लू देखता है कि उफैन के पैंट के ऊपरी हिस्से जो है भीगा हुआ है, और वो तभी उफैन से बोलता है कि तुम अगर तुम्हारे पैंट को गीली कर ले शायद से तुम्हारे उसको मैं एकदम से जमा दूँ। तभी उफी जो है अपने उस हिस्से को कवर करते हुए एम्बेरस के मारे बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तुम जो बोलोगे मैं सारे के सारे चीज़ बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी उफी जो है बोलना स्टार्ट करता है कि एक हफ्ता आगे मेरे को ये रिंग मिली थी जब मैं रास्ते से जा रहा था और बोल रहा था कि अगर मैं कल को प्रोटेक्शन मैंने नहीं दिया तो वो लोग मुझे मारेंगे, मैं कैसे ये पैसा लेके आऊँ। तब उफैन जब वहाँ से जा ही रहा होता है तभी एक दुकानदार जो है उफैन को बुलाता है, ये बच्चे सुनो इधर एक बार देखो, और उस दुकान पे बहुत सारे नेकलेस हीरे मोती जवाहरात अंगूठी गिफ्ट वगैरह मार्क्स वगैरह थे। तभी उफैन ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है सब खरीदने के लिए। तभी वो आदमी ने बोला कि मैं सिर्फ किसी खास आदमी को ही मेरे चीज़ें देता हूँ और तुम्हें देख के लग रहा है तुम खास हो। तभी उफी उस दुकानदार के सामान को देखते हुए बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट की सीक्रेट बुक बिक रहे हो क्या, ये अंगूठी मुझे कुछ स्पेशल सा लगा। तभी उस अजीब से आदमी ने बोला बच्चे तुम्हारे जो आँख है बहुत अच्छे है, तुम ये जो है ये रिवेज रिंग है और ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जो तुम्हें बुली करने आएगा तो उसे यह पीटेगा। तभी उफी बोलता है तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मैं अभी अभी बुली होके आया हूँ। तभी उस अजीब से आदमी ने बोला कि मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है जब तक तुम इस रिंग को पहने रहोगे तब तक तुम को ये एबिलिटी मिल जाएगा कि तुम्हारा रिवेंज ले सकते हो। तभी उफी बोलता है कि मैं इस रिंग को पहनने से क्या पावरफुल बन जाऊँगा, और तभी उस रिंग को उफी जो है पहन लेता है। तभी उफी साइड में घूमते हुए बोलता है हाँ वो कहाँ गया, और हम लोग देखते हैं कि वो जो आदमी था वो अपने दुकान के समय जो है वहाँ से गायब हो चुका है।
और उसके बाद मैं अपने आप को पाया कि मैं खुद इंसानों को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं उनसे जो है रिवेंज रिंग के मदद से जो है अपने रिवेंज लेने लगा। और मैं सोचा कि तुम लिंगलिन के बॉयफ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें भी इस रिंग के मदद से रिवेंज लेने वाला था, और मेरे को सच में नहीं पता था कि तुम उसके भाई हो, तो मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। तभी कीर कहती है कि मेरे को नहीं लगता कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है या फिर कुछ झूठ बोल रहा है, पर सैक्रिफाइस ने इसको क्यों रिवेंज रिंग दी। तभी सीसी पास से ही बोलती है कि ये तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है कि इतना हाई लेवल का सैक्रिफाइस ऐसा क्यों किया, पर ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है इससे हम लोग कुछ नहीं पता लगा सकते। तभी लू बोलता है कि यह जो डार्क एनर्जी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम लोग इसे कोई इविल पर्सन के हाथ में नहीं पड़ने दे सकते, इसको तोड़ने का कोई तरीका है। तभी वहाँ पे शीशी बोलती है, सर आपका जो एनर्जी है और लॉर्ड ऑफ फ्लावर का एनर्जी है, और लॉर्ड ऑफ फ्लावर का एनर्जी जो है वो डार्क एनर्जी मतलब सैक्रिफाइस की एनर्जी का एंटीडोट के मुताबिक काम करते है, तो आपका एनर्जी इसमें डाल के देखिए ना क्या होता है। तभी लू जो है शीशी के बात सुनते हुए अपने एनर्जी को इस रिवेज रिंग में डालने लगता है। तभी साइड से जो है उफी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को इतना दर्द क्यों हो रहा है। शीशी बोलती है कि इस रिंग को डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है इसका होस्ट का मेमोरी जो है लॉस्ट हो जाएगा जितने देर तक इस रिंग को उस होस्ट ने पहने रखा होता है। तभी लू बोलता है, जल्दी चलो यही समय है, हम लोग जो है लिंगलिन के ऊपर जो हिडन डेंजर आया था उसको जो है हटा दिया है, तो कुछ लोग आने से पहले ही हमें इस स्कूल से बाहर निकलना होगा, जल्दी चलो जल्दी। उसके बाद कीर और लू जो है स्कूल से निकल के घर के तरफ जाने लगते हैं, और उन लोगों को नहीं पता होता है कि पीछे से कोई देख रहा होता है, और वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो भाई इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से बजा देना, और हम लोग जो है A1 के सब्सक्राइब के बहुत करीब है, तो जल्दी से जल्दी करवा देना भाई, और भाई एक शेयर भी करवा देना क्योंकि 1K में पहुँचना है हमें। तो बाय बाय, टाटा एंड पीस आउट।